जय श्री राम सभी को। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो वेलकम बैक अवर एड्यूग्रीड चैनल। अच्छा है आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। ठीक है, बस एक चीज़ बहुत बुरी हो गई, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाली चीज़, जिसका दर्द दुख दर्द नहीं सहा जा रहा है। पर क्या करें, सहना तो पड़ेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम नया चैप्टर लेके आ गए हैं वन शॉट का, जो है हमारा 14 चैप्टर। ठीक है, बेसिक वालों के लिए तो ये भगवान समान है, क्योंकि पास कराने में सबसे ज़्यादा मार्क्स यही देने वाला है। गुजरात बोर्ड वालों, तुम्हारे लिए तो ये 14 मार्क्स का है, और CBSE वालों, तुम्हारे लिए भी 8-10 मार्क्स का है। स्टैंडर्ड वालों के लिए थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 को। चैप्टर नंबर 13 बन गया है जो अब। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो अब इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वन शॉट वीडियो है भैया। ठीक है, मैं जहां तक है वहां तक बहुत छोटा करने की कोशिश करूंगा, ताकि बहुत जल्दी अच्छे से समझ में आए। पर फिर भी इसमें चीजें को ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो अच्छे से देखना। बस तुम लोगों के लिए ही बना रहा हूं, थोड़ा बड़ा हो जाए वीडियो तो भी देखना, क्योंकि अच्छा बनेगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। भाई इंट्रोडक्शन तो क्या ही है भाई, एवरेज निकालना होता है, उसको मीन कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स तुम 9th क्लास में पढ़ के आए होगे सर। हाँ, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। तो जो एफ आई होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार चीज़ें की गई हैं। जैसे कि कितने बच्चे जो हैं वो 30 मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो बस वो फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, उसके लिए सिग्मा लगा देते हैं। ओके, ये सारा इंट्रोडक्शन होता है। मीडियन भी तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होगे, मोड भी पढ़ा होगा तुमने, 6th-7th क्लास के अंदर आ जाता है बेटा। ठीक है, 7th में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में तब से चला ही आता है, अभी तब शॉर्ट था, थोड़े लॉन्ग मेथड आने वाले हैं इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं मीन का 3 मेथड पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, ग्रुप डाटा वाला जो 9th क्लास में आया था हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड भी सेम टू सेम यही है। ओके, बस इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल आ जाएगा, और उसमें सिंगल डेटा होता है, ग्रुप डेटा होता है। ठीक है, इसके बाद हम एज्यूम्ड मीन पढ़ने वाले हैं। भाई मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं सर। मोड को किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं सर। और मीडियन को किससे डिनोट करते हैं, एम से करते हैं सर। तो एज्यूम मीन का जो फॉर्मूला है, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये मेथड है सर। जो स्टेप डेविएशन मेथड है भाई, स्टेप डेविएशन मेथड जो CBSE वाले बच्चे हैं उनके लिए जा चुका है, पर जो गुजरात वर्ड वाले बच्चे हैं गुजरात बोर्ड के, उनके लिए ये है। इसके लिए बना रहा हूँ मैं, इसमें ये भी दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल। अब इसका जो मेथड है उसको भी हम मीन ही बोलते हैं बेटा। मीन के 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ओके, ये मेथड जो है वो स्टेप डेविएशन वाला। अब देखो भाई, 3 मेथड दिए हुए हैं मीन के, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड जो है वो सबसे इजी होता है, मतलब कि जो रटने में सबसे इजी होता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। बट इससे कैलकुलेशन जो होती है ना वो बहुत हार्ड हो जाती है। ठीक है, कैलकुलेशन जो हो जाती है वो हार्ड हो जाती है। एज्यूम मीन से उससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है, और स्टेप डेविएशन जो है उससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। पर उसको याद करने के लिए तुम्हें 3 चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, है ना। और यू आई देखो, पहले एक्स आई आता है डायरेक्ट मेथड में, फिर एज्यूम मीन मेथड में डी आई आता है, और स्टेप डेविएशन मेथड में यू आई आता है। ओके, उसके बाद हम मोड पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ मीन मीडियन एंड मोड। भैया कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, इसके लिए भी अलग से क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा फॉर्मूला है, 3m इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्या क्या पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा, जो सिंगल डेटा दिया हुआ है। देखो 10, 20, 30, 40, मतलब सिंगल डेटा। इसमें क्लास इंटरवल्स नहीं आएंगे कि 10 से 20, 20 से 30, ऐसे क्लास इंटरवल्स नहीं आने वाले हैं इसके अंदर। तो देखो भैया, जो 21 स्टूडेंट्स हैं उनने क्या किया हुआ है, मैथ्स के मार्क्स किए हुए 100 में से। अब 10 वाले बच्चे कितने हैं, एक बच्चा है जिसने 10 बार मार्क्स लाया है, 10 मार्क्स लाया है। 20 वाला एक बच्चा है, ठीक है, 36 वाला 3 बच्चे, ऐसे ये फ्रीक्वेंसी चल रही है। तो सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, देखो टेबल बना दिया है पूरा इसके अंदर, सिर्फ मुझे समझाना है। क्यों भाई टेबल क्यों बना दिया है मैंने, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है,
टाइम बच जाएगा। तो देखो इसमें पहले से ही एक्सरसाइज दी जाती है, सिंगल डेटा के अंदर हमको एक्सरसाइज निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें पहले से ही एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज होती है, ठीक है। उसके बाद एफआई भी दी हुई है, हमको सिर्फ क्या निकालना होता है, हमारा मेथड क्या कहता था, हमारा मेथड कहता है कि सर सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई, है ना। तो देखो एफआई एक्सआई भी हम निकाल चुके, एफआई एक्सआई यानी कि एक्सआई इनटू एफआई, तो 10 वन जा 10, 21 जा 20, 36 3 जा 108, 400 4 जा 160, 50 150 150, 56 2 112, 60 4 240। सर आप ये हिंदी में क्यों टेबल पढ़ते हो बेटा, मेरी जो नीव है ना नीव, वो हिंदी मीडियम से बनी है, यानी कि जब फोर्थ क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है और फोर्थ क्लास तक ही टेबल सिखाया जाता, उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम में आया था, तो एक्चुअली मैं इसी वजह से जो नींव थी मेरी वो हिंदी मीडियम में बन गई, तो यानी जो याद करने का तरीका था वो हिंदी में ही रह गया। अभी बोल तो सकता हूँ इंग्लिश में पर जल्दी नहीं बोल पाऊंगा, अगर मुझे कैलकुलेशन को जल्दी करना है तो मुझे हिंदी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई कंफ्यूज नहीं हो जाना, ओके। ऐसे सब मल्टीप्लाई करेंगे हमारी क्या आ जाएगी, एफ आई एक्स आई आ जाएगी। अब सिग्मा का मतलब होता है सबको प्लस कर देना, तो भाई सबको प्लस करो, तो 108 है 008, 210 212 की 2 कितनी बची, 1 बची, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 5 14, 14 और 1 15, 15 4 19, 19 और 8 27, 27 और 2 29, 29 और 1 30 का शून्य हासिल लगी 3, फिर 1 2 3 4 2 6 2 8 7 15 और 3 18, कितना आया 1802। एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 30 और 27 और 7 कितना हुआ 34, 34 और 1 35, कितना बचा 3 बचा सर, 1 हो चुका है 1 और 2 3, 4 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, तो कितना आया 1152 जो था सर वो आ चुका हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी उन दोनों का टोटल। अब बेटा सिग्मा एफ आई भी निकालना पड़ेगा, तो देखो ये चीज को इजी करने के लिए हमारे क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया जाता है कि जो ऑप्टेंट है वो कितने टोटल स्टूडेंट ने किया हुआ है 21, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट होंगे वो कितने होने वाले हैं 21, तो एफ आई का सिग्मा प्लस करने की जरूरत नहीं, प्लस करोगे तो भी 21 ही आने वाला है बेटा। तो क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला रख दोगे के भाई 151152 अपॉन 21, इसको डिवाइड करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि देखो 21 5 जा 105, तो 5 आ गया भैया, 115 में से 105 गया तो बचा 010। अब कितना उतारोगे 2 उतारोगे तो 21 4 जा आ जाएगा 84 आ गया, 12 में से 4 गई 8, 180 लगाओगे 180 हो जाएगा, फिर आ जाएगा तो 21 6 14 21 6 6 दूनी 12 6 कम 6 126 होता है, 180 चाहिए हमको, तो 8 जा 8 2 जा 16 तो 9 जा 9 2 जा 18 9 1 जा 8 जा जाएगा 8, ठीक है। ऐसे तुम्हारा मीन आ जाएगा और आगे तुम कैलकुलेशन कर लेना, मैं 8 6 लिख देता हूँ, इधर 6 का और जाएगा, 5 और 7 जाएगा तो 7 इधर जो जाता है तो 6 हो जाता है, ठीक है। तो भाई देखो कितना सिंपल था हमारा जो ग्रुप डी वाला था, उसमें हमको सब कुछ दिया होता है, एक्स आई दिया होता है, एफ आई दिया होता है, हमको क्या करने का है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, उनको प्लस करना है, डिवाइड कर देना है, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है सबका प्लस, तो एफ आई एक्स आई हमको दी होती है, हम निकाल लेते हैं उनका प्लस और एफ आई का प्लस, दोनों को डिवाइड कर देना है। यही है हमारा बिल्कुल सेम टू सेम डायरेक्ट मेथड है। क्या है भैया देखो, अब जो है एक सर्वे किया गया भैया के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एनवायरनमेंट में पार्ट लिया है, तो जो 2 प्लांट लगाए वो 1 स्टूडेंट, जो 4 प्लांट लगाए वो 2 स्टूडेंट, ऐसे फ्रीक्वेंसी दी हुई है और क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल के 0 से 2, ठीक है, 2 से 4, 4 से 6। तो भाई अब तुमको एक्सआई निकालना पड़ेगा, देखो मैंने एक्सआई निकाल के रखी हुई है इधर, हमको सिर्फ इधर सिग्मा एफ आई एक्सआई, ताकि हमारा टाइम बच जाए, ओके। तो भाई देखो एक्सआई कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूं, कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट इधर कितनी है 0 प्लस 2 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 0 प्लस 2, तो 2 अपॉन 2 कितना बचा 1, तो आ गया 1। ऐसे अब सबका प्लस करने जाओगे तो टाइम जाता है, इसके लिए एक सिंपल सी चीज है भाई, देखो ये जो हमारा क्लास इंटरवल है वो कितना वो छोड़ रहा है, डिस्टेंस कितना दे रहा है, कि 0 से 2 है 2 का डिस्टेंस,
टू से फोर है, टू का डिस्टेंस यानी सब में कंटिन्यूस चल रही है क्लास, टू का डिफरेंस आ रहा है, तो जो एक्सआई आएगी उसमें भी कितने का डिफरेंस आएगा, टू का डिफरेंस आएगा भैया। तो वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस सेवन नाइन, ऐसे हमारी क्या आ गई, पूरी एक्सआई आ गई। अब तुमको बिलीव ना हो तो कैलकुलेशन करके निकाल के देख लेना, ठीक है। एक्सआई आ चुकी है, अब हमको क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई निकालना है सर। तो देखो, वन वन जा वन, टू थ्री जा सिक्स, वन फाइव जा फाइव, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, सिक्स नाइन जा फिफ्टी फोर, टू इलेवन जा ट्वेंटी टू, और थ्री थर्टीन जा थर्टी नाइन। अब एफ आई एक्स आई भी निकाल लिया। हमारा मेथड कहता है भैया कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमारा मेथड कहता है। चल तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिक्स और वन सेवन, और फाइव इलेवन, और फाइव सिक्सटीन, सिक्सटीन और फोर ट्वेंटी, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू और नाइन थर्टी वन, थर्टी वन का वन कैरी बची थ्री, थ्री और थ्री सिक्स, और फाइव इलेवन, इलेवन और टू थर्टीन, थर्टीन और थ्री सिक्सटीन, वन सिक्सटी वन अपॉन कितना है भाई टोटल, कितने भैया ट्वेंटी हाउस दिखा रहे हैं इसके अंदर, चलो गिन लेते हैं। टू और वन थ्री, थ्री और वन फोर, फोर और फाइव नाइन, नाइन और छः फिफ्टीन, फिफ्टीन और फाइव ट्वेंटी, है ना, देखा बोला था ना। चलो भाई टू से डिवाइड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब ये भी मैं करूँ सर, कर देते हैं भैया, ट्वेंटी का डिवाइड करना है 161 के अंदर, तो पहले देंगे बीस अट्ठे एक सौ साठ, जीरो वन बचा जीरो जीरो, ठीक है, वन आ गया, पॉइंट लिया, जीरो रखा नहीं गया, जीरो रखा जीरो, बीस पैया एट पॉइंट जीरो फाइव, तो कितना आया, तो x बार जो था हमारा कितना आ गया 8.05। सर जब इसी से आ जाता है तो हमको स्टेप डेविएशन और वो उसकी जरूरत ही नहीं, हम ये भी कर सकते हैं ना बेटा, क्वेश्चंस में स्पेशलाइज्ड करते हैं बोर्ड वाले के सॉल्व बाई डायरेक्ट मेथड, सॉल्व्ड बाई एज्यूमिंग मेथड, सॉल्व बाई स्टेप डेविएशन मेथड, तो इस वजह से। और जब कैलकुलेशन को इजी बनाना होता है ना, ये तो छोटी कैलकुलेशन थी इसके लिए हो गया, जब बड़ी कैलकुलेशन आती है फिर जो तुम्हारी एक्सआई आएगी वो 500 500 की आएगी, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर 500 का मल्टीप्लाई 5 से किया, 500 का मल्टीप्लाई 7 से किया, 525 का मल्टीप्लाई 7 से किया, ऐसे बहुत बड़ी जाती है, प्लस करने में आता है दिक्कत। इसके लिए भाई दूसरी मेथड बनाई गई एज्यूम मीन, और तीसरी मेथड बनाई गई स्टेप डेविएशन। अब तीनों मेथड सीखनी है आपको, ये बहुत इजी होगी भैया, समझ में आ चुकी होगी। चलो दूसरी मेथड जो है हमारी, दूसरी मेथड जो है वो कौन सी है हमारी, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में एक नया शब्द आ जाता है कि मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में भी बताया था, अभी भी बता देता हूं। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई तो है ही, बस एक्स आई की जगह क्या आ गया डी आई, भाई डी आई भी मैंने लिखा हुआ है। अब डी आई का सर आपने फॉर्मूला भी बताया इसके अंदर के एक्स आई माइनस ए, सर ये ए क्या बवाल चीज है, अरे भैया ए बहुत सिंपल चीज है, ए को हम एक्स आई में से ही लेते हैं, ए को हम किस में से लेते हैं, एक्स आई में से ही लेते हैं। तो देखो भाई क्लास दी हुई है, हमको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, एफ आई दी हुई है, हमको एक्स आई हम कैसे निकालते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई टू, इसके लिए मैंने निकाल के रखी ताकि हमारा टाइम बच जाए, तो इन दोनों को प्लस करो डिवाइड बाई टू करो, ये सब आ चुका है। अब डिफरेंस कितने कितने का है, 20 20 का है सर, ठीक है। अब जो डी आई है वो एक्स आई माइनस ए है, अब जो ए है वो हम एक्स आई में से ही लेते हैं, हम किसी को भी ए बना सकते, बट बेटा बना किसी को भी सकते हो, पर मेरे ख्याल से ना हमेशा समतल रखो, बैलेंस रखो, हमेशा बीच वाले को बनाओ, ठीक है। इधर से दो छोड़ो, इधर से दो छोड़ो, इसको क्या बना दिया, ए बना दिया तुमने, है ना। अब फॉर्मूला कह रहा है एक्स आई माइनस ए, तो भाई एक्स आई ये है, इसी में से इसको माइनस करो तो कितना बचता है जीरो, इसमें से इसको माइनस करो, अब छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है तो कितना बचेगा माइनस ट्वेंटी, इसमें से इसको माइनस किया कितना बचा माइनस फोर्टी, ये ट्वेंटी और ये फोर्टी, ठीक है, जेन जी जनरेशन वाली लैंग्वेज ट्वेंटी भाया ट्वेंटी, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुम लोग सीरियस मत ले लेना मेरे को, ऐसा ही हुआ थोड़ा। अब क्या करना है, एफ आई डी आई, जैसे एफ आई एक्स आई करते थे ऐसे ही एफ आई डी आई करना है। 12 फोर जा 48, क्या आ गया माइनस 480, 14 टू जा 280 हो गया ये, ठीक है, 8 जीरो जा जीरो, 620 जा 120, और 10 फोर जा 400, है ना भाई। इन दोनों को प्लस किया तो होता है सर 520, सर इन दोनों को प्लस किया तो होता है जीरो का जीरो,
आठ आठ सोलह, चार दो छः और एक सात, 760। ये माइनस का है सर, ये प्लस का है। प्लस तो हम सबको ही करना पड़ता है भैया, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 760 में से 520 गए तो कितने बचे, जीरो, छः में से दो गए चार, जीरो, सात में से पाँच गए दो, पर किसके बचे भैया, माइनस के, क्योंकि सर माइनस का बड़ा है क्या, साइन। ओके, अब हमारा फॉर्मूला कहता है कि एक्स बार इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला कहता है कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चार बार एक ही फॉर्मूला बोल रहा हूँ ताकि तुमको रट जाए फॉर्मूला, ठीक है। a कितना लिया था हमने, 550 लिया था सर, तो भाई 550 हम a ले लेते हैं, भाई 550 a ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद एफ आई डी आई कितना आया है हमारा, माइनस 240 आया है, माइनस 240 अपॉन एफ आई, हमने प्लस ही नहीं किया, पर बेटा हमको इसमें दिया है कितना दिया है, 50 वर्कर्स हैं टोटल, प्लस करोगे 50 ही आने वाला है, गारंटी ले लो, ठीक है, 50 आ गया, ठीक है। 540 प्लस माइनस माइनस, जीरो से जीरो गया, क्या बचा, 24 अपॉन 5, तो 540 माइनस 24, 5 4 20, ओके, 4 बचा, फिर 8.8, 4.8, 540 में से 4.8 को क्या कर दो, माइनस कर दो, 4.8, 10 में से 8 गई 2, 9 में से 4 गई 5, 3, 5, कितना आ गया, 535.2। तो x बार इधर कितना आया, 535.2। और बेटा एक बात और याद रखना कि हम कोई भी मेथड से सॉल्व करें जो हमारा मीन है वो हमेशा इक्वल आएगा, क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। चलो तो ये वाला भी समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है सर। अब आगे चलते हैं, आगे भाई हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें हमको क्या होता है सर, आपने बताया था यू आई निकालना पड़ता है। अब हमने यहाँ पे यू आई का भी फॉर्मूला लिख रखा है, एक्स आई तुम निकाल सकते हो भाई, अब तो सीख गए होगे एक्स आई निकालना, डायरेक्टली यू आई पे चलते हैं। तो यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या है, एच जो है ये जो हमारी जो क्लास इंटरवल है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा एच होता है। तो देखो 100 से 150 में 50, 150 से 2, 50-50 का डिफरेंस चल रहा है, यानी जो हमारा एच है वो कितना आ गया, 150। सर ए मानना हो एक्स आई में से तो क्या करते हैं, बीच वाले को लेते हैं, इसको लिया ए, ठीक है, यहाँ पे रखा जीरो, जो डिफरेंस है वो एकदम सेम है, क्लास कंटिन्यूस चल रही है तो मैं एक चीज सिखाता हूँ, अगर क्लास कंटिन्यू है और डिफरेंस सेम है तो यहाँ लिखो जीरो, ठीक है, जीरो ही आने वाला है उधर तो, और यहाँ लिखो माइनस वन माइनस टू, वन और टू। यही स्पेशलिटी है स्टेप डिवीजन मेथड की कि वो हमेशा अगर कंटिन्यूस है और डिफरेंस सेम है तो वो हमेशा माइनस वन टू ही बनाता है बेटा, अगर डिफरेंस सेम होगा तो हमेशा बनाएगा, डिफरेंस सेम होना चाहिए, पर इनमें सब में डिफरेंस एकदम सेम है। तो देखो 225 में से 175 गए तो कितने बचे, 25, कितने बचे, 50 बचे। अब 50 में से डिफरेंस डिवाइड बाई एच, यानी 50 में से 50 को डिवाइड किया तो कितने बचे, 1 बचे, इसमें से गया माइनस 100, डिवाइड किया 50 से तो कितना बचा, माइनस 2 बचा, ऐसे ही नीचे, ठीक है, इसके लिए बोल रहा था। इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, अभी तुम एक्स आई से एफ आई का मल्टीप्लाई करते कितना बढ़ा जाता, अब देखो एफ आई 4 है 2 है माइनस 8, 5 है माइनस 1, पर ये 12 इंटू 0 0 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 6, ये आ गया 13, माइनस का ये बचा माइनस का 7। सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, है ना, क्या लगाना है अब हमको फॉर्मूला के, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इन टू एच, यही लगाना है। चलो ए कितना है भाई, हमने कितना लिया था, 225 लिया था सर ए, ओके, ये कितना है माइनस 7, एफ आई कितना है 25, प्लस कर लो, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 5 13, 12, 25, बोलता हूँ उस क्वेश्चन में लिखा जाता है एफ आई, तो 25 इंटू एच कितना है सर 50 का है, तो 225 प्लस माइनस माइनस ये गया दो बार, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, 7 2 14, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 211
आ गया हमारा x बार स्क्वायर 211। सिंपल था कि नहीं था? बस फॉर्मूला याद कर लो, ui निकाल लो, xi माइनस a अपॉन h, फिर सब कुछ di जैसा ही है, बस h लगाना है नीचे डिवाइड में। ओके ठीक है, चलो मोड पे चलते हैं। मोड बढ़िया, बहुत इजी है, मोड भी इतना इजी है मजा आ जाएगा तुमको। देखो भाई, पहले तो मोड का फॉर्मूला लिखता हूं मैं। तो मोड का फॉर्मूला होता है, मोड को हम किससे डिनोट करते हैं सर? जेड से डिनोट करते हैं। मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। एच तुम्हें पता है, एल तुम्हें पता है क्लास लोअर लिमिट, एच तुम्हें पता है। अब एफ वन एफ जीरो ये मैं इसमें सिखा देता हूं और मोड हो जाएगा। तो भैया ये हमको दी हुई है क्लास और ये हमको दी हुई है फ्रीक्वेंसी। अब इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है सर? इसमें सबसे बड़ी जो है वो 61 है, तो उसको नाम दे दो F1। बस जो मोड में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो उसको नाम दे दो F1। अब देखो F1 नाम देते, 1 के पहले क्या आता है? 0। 1 के बाद क्या आता है? 2। हो गया है ना। अब क्या लगाओगे? मोड का फॉर्मूला Z इज इक्वल टू, सब मिल गया है। अब देखो L नहीं मिला है, तो F1 के सामने वाली जो क्लास होती है, F1 के सामने वाली, F0 और F2 के सामने नहीं, F1 के जो सामने वाली होती है वो होती है L, हमारी लोअर लिमिट क्लास भी मिल गई है। तो भाई सब कुछ मिल चुका है, खाली फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखो L जो है वो कितनी है? 60 प्लस F1 जो है वो कितना है? 61 माइनस F0 है वो कितना है? 52 अपॉन 2F1। 61 टू जा कितना हो जाएगा? 122 माइनस F2 और F0 माइनस F2, तो माइनस 52 और माइनस 38 ये रख दिया। अब H, H कितना भी चल रहा है भैया? 20 का चल रहा है, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है? हम सर हमको सक्सर हमको सिखा सके कि H क्या होता है ना। चलो 60 प्लस 61 में से 52 गए, कितने बचे? 9। अब 122 में से डायरेक्टली माइनस कर दो, 52 प्लस 38, 8 और 2 10, 1 बचा, 5 3 8 और 1 9, 122 में से 90 को माइनस करो, 2 बचा, 12 में से 9 गए, 3 बचा, है ना। 32 इंटू 20 तो प्लस कटेगा ये 16 से, ये 10 से, है ना, ये 5 से, ये भी नहीं, ये 8 से और ये 5 से, तो 45 अपॉन 8, तो 60 प्लस 8 5 जा 40, पॉइंट 50 आ चुका है, 8 6 जा 48, 8 2 जा और 8 8 जा, यानी कि जो मोड है वो तुम्हारा आ जाएगा 65.63। कुछ गड़बड़ हो कैलकुलेशन में तो एक बार देख लेना, कमेंट करके बताना कि सर कैलकुलेशन में ऐसी गड़बड़ थी, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं है, एकदम इजी है, मजा आ गया। क्या करते हैं भाई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर F1 ले लेते हैं, ठीक है, ये F2 है और ये ऊपर वाला F1 है, F1 के सामने वाले को L ले लेते हैं, मोड सबसे ईजी था सर, बहुत अच्छे से आ गया है, ठीक है भैया करके दिखाना। चलो अब बात करते हैं मीडियन का। भैया मीडियन जो सर है, अब सर ये खाली मैं टेक्स्ट बुक का ही बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के बाहर की एक चीज बताऊँ तो सीबीएसई बोर्ड वालों और गुजरात बोर्ड वालों, कभी कभी दो मार्क्स में मीडियन का नाइन्थ क्लास में जो फॉर्मूला चलता था वो आ जाता है। कौन सा वाला? एन बाई टू, ऑड वाला नंबर हो तो एन प्लस वन बाई टू, और इवन वाला नंबर हो तो एन बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। उसके तब कैसा होता है वो? सिंगल डेटा वाला। कैसा होता है? सिंगल डेटा वाला। अगर उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि आईएमपी क्वेश्चंस क्या होते हैं बोर्ड के 14 चैप्टर्स के अंदर बेसिक वालों, तो कमेंट करो कि अभिषेक सर जी हमारे लिए आईएमपी क्वेश्चंस का भी एक वीडियो लेके आइए, जिसके अंदर मैं सारे आईएमपी क्वेश्चंस करा दूंगा 30 मिनट के अंदर, गारंटी देता हूं आप लोगों को, तो बताना मुझे। चलो फिलहाल टेक्स्ट बुक के ऊपर चलते हैं। तो भाई मीडियन, मीडियन को हम डिनोट करते हैं एम से, ओके, और जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सर इसमें एल पता है, एफ बताना है, सी एफ क्या होता है? सी एफ का मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है ना बेटा, वो बढ़ती जाती है, मैं वो भी बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद एफ, उसके बाद
एच और एम मिलकर मिल जाएगा भाई। वो टेबल था, उस टेबल के ऊपर हमने सब दिया हुआ है, पढ़ लेना। इसमें बोला है इसने फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड, तो मैं इसमें सिर्फ मीडियन निकालूंगा, मीन एंड मोड जो है वो तुमको निकालना है क्योंकि मैं तुमको सिखा चुका हूं बेटा, ठीक है, और मुझे आंसर जरूर बताना, ठीक है। चलो सी एफ निकाल है, तो पहले वाला नंबर सेम टू सेम रख दो, उसके बाद सबको प्लस करते जाओ, 4 + 5 9 9, 13 और 9 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68, यानी जो ये जो है ना वो टोटल है, यानी जो इसका भी फ्रीक्वेंसी का प्लस करोगे तो इन सबका टोटल भी कितना आएगा, 64, एक बार वेरीफाई कर लेना जरूर, ठीक है, 68 आ गया। अब हमको चाहिए n बाई टी, जो जो टोटल होता है ना उसी को हम n बोलते हैं, ठीक है, तो n बाई टू, तो n बाई टू यानी 68 बाई 2 कितना आया, 34 आ गया, कितना आ गया, 34 या n बाई टू है वो कितना आया हमारा, 34 आ गया। अब 34 मिल गया, अब जो है हम CF में जाएंगे और CF में जाके देखेंगे कि 34 है क्या, नहीं है, अगर 34 नहीं है तो उससे जस्ट बड़ा देखो, जस्ट बड़ा, तो जस्ट बड़ा पे चलते हैं, तो 34 के बाद क्या आता है, 42। जब ये 42 आ गया, उसके सामने वाले को ही मान लो F और इसके सामने वाले को ही मान लेते हैं L, जो फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली क्लास, मतलब कि हमारा जो सी एफ है वो जो हमारा n बाई टू वो कितना आया, 34। अब उससे बड़ा देखना है सी एफ के अंदर, f के अंदर नहीं देखना है, सी एफ के अंदर देखना है, सी एफ के अंदर वही देखा तो कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, 42 के सामने वाला जो होता है वो f होता है और उसके सामने वाला जो होता है वो n होता है, 42 के दोनों सामने सामने, भाई l मिल चुका है 125, f मिल चुका है 20, h मिल चुका है जो डिफरेंस होता है भैया कितना है, 20 है ना, 85 - 65 कर दो, 85 5 5 0 6 2 8, ओके। अब हमको चाहिए सर CF, तो बेटा हमारा जो CF है वो उससे जस्ट m by 2 से जस्ट बड़ा लिया, उसके जस्ट ऊपर वाला वो क्या हो जाता है हमारे लिए, CF हो जाता है, उसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाता है हमारे लिए, CF। तो भाई देखो 42 के जस्ट ऊपर क्या है, 22। अब लगा दो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या कहता है, एल प्लस एन बाई टू कितना है, 34 माइनस CF कितना है, 22 अपॉन F कितना है, 20 और H भी कितना है, 20। तो 125 प्लस 34 में से 22 गए, 4 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1 अपॉन, अब 20 में से 20 कट गया तो कितना बचा, सिर्फ 11, दोनों को प्लस कर दो, 136। तो भाई हमारा मीडियन भी आ गया 126, कैसे हो लोग, समझ में आए बात कि नहीं आई। तो भाई मीडियन में भी बहुत इजी है, क्या फॉर्मूला है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ओके। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो तो बताना भाई कमेंट करके, देख लो एफ आ चुका है हमारा सी एफ, अब हमने पहले एन बाई टू किया, जो टोटल आया उसको एन लिया, एन बाई टू किया, 34 से जस्ट बड़ा देखा वो क्या है, 42 के सामने वाले को एल और एफ ले लिया, ठीक है, उसके ऊपर वाले को सी एफ ले लिया, फॉर्मूला में डाला और सॉल्व कर दिया, ओके। चलो भाई समझ में आ चुका है, तो मीन भी हो गया, मोड भी हो गया और मीडियन भी हो गया सर, अब बचता क्या है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मीडियन का, इसमें कैसा है, इसमें हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ढूंढनी है, ये मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आया हूं तुम लोगों के लिए, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी सर दो ढूंढनी होती है एक साथ, अब जब दो एक साथ ढूंढनी होती है मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो कैसे ढूंढने का, ठीक है। तो देखो बच्चा लोग, अब हम इसमें किसको क्लास लेंगे, किसको सीएफ लेंगे, वो चीज समझ लो। सबसे पहले तो देखो टोटल दिया हुआ है हमको, हमको सीएफ निकालना पड़ेगा सबसे पहले, चलो 5 5 + x और 25 + x 25 + 15 40 + x 40 + x + y 45 + x + y और जो टोटल है वो कितना है, 60 है, तो दो टोटल आ गए, एक तो ये टोटल और एक ये टोटल, तो टोटल इक्वल टू टोटल, तो क्या लिखोगे, 60 = 45 + x + y 45 को माइनस किया तो कितना बचा, 15 = x + y, यानी कि जो दोनों फ्रीक्वेंसी मिसिंग है वो दोनों 15 का टोटल करती हैं, यानी एक 7 1 8 हो सकती है, एक 6 1 9 हो सकती है, कोई भी हो सकती है। चलो सी एफ भी मिल गया, सबसे पहले हमने देखा टोटल 35 है, ठीक है, अब 60 / 2 n / 2 फॉर्मूला है हमारा, तो बचा 30 के ऊपर वाला,
अभी देखो जो इसमें मैं तुमको एक चीज सिखाता हूं कि ये क्या है, हमारा मीडियन दिया हुआ है, पहले से मीडियन हमको दे दिया है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज दे रहा है ढूंढने के लिए, तो हमको मीडियन तो देगा ही ऑफ कोर्स। अब 28.5 किस क्लास में आता है, 28.5 सर 20 to 30 क्लास में आता है। बस इसके लिए सिखाना था कि भैया इसमें जो है हम n बाई 2 से नहीं लेते हैं CF को, हम इसमें क्लास जो लेते हैं वो मीडियन से लेते हैं, ठीक है। तो 20 से 30 वाले में आ चुका है हमारा, ओके। तो ये जो हो गया वो F हो गया, ये जो हो गया वो L हो गया, और इसके ऊपर वाला जो हो गया वो क्या हो गया, CF हो गया सर। चलो तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि m इज इक्वल टू l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। जो m है वो कितना है 28.5, जो l है वो कितना है 20 है, n बाई 2 यानी 60/2, टोटल तो 60 है तो कितना बचा 30 माइनस 5 प्लस एक्स, मैंने बताया इसके ऊपर वाला सी एफ अपॉन एफ कितना है 20 इंटू एच वो कितना है 10। 28.5 में 20 को इधर ले आया माइनस किया कितना बचा 8.5, 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10 0 से 0 2 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स 17 इधर एक्स इधर, तो जो एक्स है वो कितना आ गया 25 माइनस 17 तो एक्स इज इक्वल टू 8। अगर एक्स इज इक्वल टू 8 है तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 15 8 गया तो कितना बचा 7 तो 15 इज इक्वल टू 8 प्लस y माइनस किया तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 7। मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी हो गई सर, क्या बात है यार, सर आपने तो सब करा डाला यार, पूरा चैप्टर समझ में आ गया हमको एक ही वीडियो में। अब लास्ट है रिलेशनशिप वाला, क्या है भैया रिलेशनशिप वाला मीडियन बोर्ड का। तो देखो इसमें फॉर्मूला बता देता हूँ कि 3m इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अभी कभी कभी तो ऐसे लिखा आता है, कभी कभी ऐसे लिखा आता है, तो क्योंकि मैं तुमको इसके लिए पहले ही बता दिया था कि z से मोड होता है, m से मीडियन होता है, और x बार से जो होता है वो मीन होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला है, अब इसमें देखो दो तरीके के फॉर्मूले बनते हैं, मीन जो है इधर आ गया, मोड भी इधर आ गया, ठीक है। अब 3m हो गया कैसे बताओ, इधर तो 2 मीन है, तो मीन को क्या किया, एक इधर मीन प्लस किया और एक इधर मीन प्लस किया, इसके लिए ये फॉर्मूला बना। ऐसे ही इधर बना, देख लो मोड को लिया, मोड को इक्वल टू में रहने दिया, इसको इधर ले गए तो 3m माइनस 2 मोड इज इक्वल टू जेड, ये भी बन गया, ठीक है, बन गया कि नहीं बन गया, है ऐसे ही फॉर्मूला है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो देखो क्वेश्चन वन है, मान लो मीडियन जो है वो कितना है 40 है, तो m जो है वो 40 है, और मीन, और जो मीन x बार जो है वो 42 है, एंड ये सारी वैल्यू को यूज करके तुमको मोड निकालना है, क्या निकालना है मोड। तो भाई पीछे ही फॉर्मूला बता दिया मोड निकालने का, क्या फॉर्मूला है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन में से 2 मीन को माइनस करो, तो सर हमको नहीं आ रहा है, तो देखो बेटा कोई बात नहीं, तुमको नहीं आ रहा है तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि 3 मीन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। 3 मीन कितना है 40 है, 2 मीन कितना है 42 है, प्लस जेड 4 3 120 84 इधर साइड ले आओ माइनस में आ जाएगा, क्या बचा जेड, 10 में से 4 गई 6, 11 में से 8 गई 3, 36 क्या आ गया भैया मोड आ गया। लो रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, अब जो दूसरा वाला है वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय श्री राम।